कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रविवार रात विदेश से लौट आए और सोमवार को गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति की समीक्षा की। सूत्रों ने बताया है कि राहुल गांधी नए साल के मौके पर कुछ दिनों के लिए विदेश गए थे और कल देर रात स्वदेश लौट आए हैं। उन्होंने सोमवार शाम कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम से के साथ बैठक की और गोवा में चुनाव रणनीति और तैयारियों की समीक्षा की है। कांग्रेस राज्य में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है और कुछ अन्य दलों के साथ भी तालमेल के प्रयास में है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर को लेकर भी इस तरह की बैठकें कर सकते हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। इन पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी। बता दें कि राहुल गांधी नए साल के मौके पर विदेश गए थे और उस वक्त भी बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा था, राहुल गांधी पर निशाना साधा था। बहरहाल अब राहुल गांधी वापस से लौट आए हैं और यहां पर चुनाव के लिए रणनीति भी तैयार करते नजर आ रहे हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।